वज़ीर आज़म शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को, तो सबसे पहले जामिया ने उसको इम्प्लीमेंट किया। स्कूल में अनिवार्य शिक्षा की, एजुकेशन किया, आधे घंटे का एक क्लास होती थी। और हमारे वाइस चांसलर उस टाइम के तलत अहमद और अब हमारी नजमा अख्तर भी लगी हुई हैं कि स्वच्छता जामिया में बनी रहे। उन्होंने हमें एक स्पेशल टास्क दिया कि ये लोकेलिटी तुम्हें सफाई करवानी है। हमने उसको जिम्मेदारी से लिया और इस पर काम हमने करना शुरू किया और ये अब हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये पार्टिसिपेंट 10 से 11 है, लेकिन आज हमें पूरा दिन लगेगा ये साफ़ करने में। इसको साफ़ करने में हम पूरा दिन 4-5 घंटे लग के और पूरा साफ़ करा के जाएंगे। हमारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, हमारी गाड़ी, हमारी वर्कर लगे हुए हैं सारे, हमारा स्टाफ लगा हुआ है। और इसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, NCC है जामिया की, NSS है जामिया का, ये सब लग के और हम इस पर लगे हुए हैं। जैसे कि सर, ये स्वच्छ अभियान जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान देंगे, अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो हम सब इस अभियान को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पूरे कचरे के जो सरकार की तरफ से डस्टबिन वगैरह हो, कि मतलब एक सिस्टमेटिकली उस जगह को एक स्टेट बना दिया जाएगी, यहाँ पे आपको कूड़ा फेंकना है, पूरा गीला कूड़ा को अलग जगह और उसके बाद सूखा कूड़ा को अलग जगह। इससे जब भी अलसिफा के जस्ट सामने वो जितना कूड़ा पड़ा हुआ था, इसमें सिर्फ अलसिफा की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अगर पूरी सोसाइटी उस काम में पूरा ध्यान देगी तो तभी इस सफाई को, इस अभियान को स्वच्छ मतलब सफलतापूर्वक ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम सब स्टूडेंट बालिका ट्रस्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे मैम हुमा मैम के इस शुभ में, इस अवसर में हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और जामिया के काफ़ी स्टूडेंट भी आज आए हैं, उसके ज़रिए हम लोग भी इसमें हिस्सा लिए। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि यहाँ पे रोड क्रॉस भी होता है और मेन चीज़ है यहाँ पे हॉस्पिटल, तो मरीज़ आते हैं इमरजेंसी में तो उनको भी दिक्कत होती है, और ये रोड चलता हुआ है तो मतलब आते हुए बदबू आती है और गंदगी फैली हुई है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के सामने तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और पहली बात कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो अपने कूड़े को साफ़, हमेशा जहाँ भी कूड़ा दिखे आपको उसको साफ़ करो। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, धीरे धीरे करना चाहिए कूड़ा साफ, ऐसे फैलाना नहीं। हमें कितना बेनिफिट होता है इस तरह साफ सब? फ़ायदा तो अपना ही होगा, सेहत मतलब सही रहेगी हमारी, ऐसे बदबू नहीं आएगी हमारी बॉडी में, नहीं जाएगी। और हॉस्पिटल के सामने मतलब बदबू आती होगी, कूड़ा ख़राब होता होगा, तो वो सारी हॉस्पिटल के अंदर जाती होगी, और हॉस्पिटल में इमरजेंसी के मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, मतलब जिनकी हालत क्रिटिकल होती है बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और रोड पे चलते हुए बदबू आ रही है, हम क्रॉस हुए, तो ऐसे भी हमें बहुत दिक्कत होती है। हम यही कहेंगे कि रोज़ हमें सफाई करनी चाहिए, एक दिन से तो नहीं होगा, लेकिन हमें रोज़ सफाई करनी चाहिए, हमें सोसाइटी की सफाई करनी चाहिए, हमें अपने घर की सफाई रखनी चाहिए, इससे हमारी सेहत में बहुत इम्प्रूव होगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। आसपास हमें रोज़ सफाई करनी चाहिए, सफाई हो। और इंसान जहाँ रहता है उसके मिजाज फितरत में होता है कि वो साफ़ सुथरा देखना चाहता है, रहना चाहता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको इनिशिएटिव लिया है, बहुत हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और एक बड़ा मूवमेंट है, इसमें सबको मिल के काम करना चाहिए। आप जानते हैं कि ये ओखला रोड पर एक बड़ा कूड़ा का यहाँ डंप बनता हुआ जा रहा है, यहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर है, तो इतने बड़े मूवमेंट के लोग यहाँ रहते हैं, आना जाना होता है, अस्पताल में बच्चे और बूढ़े और औरतें आती जाती हैं, प्रेगनेंट लेडीज़ आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो जामिया की टीम और हिमरोड फाउंडेशन ने, अलशिफा ने और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि आज इस मूवमेंट को सब मिलकर शुरू करते हैं और यहाँ से कूड़े खत्म।